फैजाबाद के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद पर अब विवाद शुरू हो गया है। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने मस्जिद के डिजाइन पर सवाल उठाए हैं। इकबाल अंसारी का कहना है कि अयोध्या का ही नहीं बल्कि देश का कोई भी मुस्लिम ऐसी मस्जिद को स्वीकार नहीं करेगा जिसकी डिजाइन विदेशी शैली पर हो। उनका कहना है कि 70 वर्षों से मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ी गई, लेकिन आज अयोध्या के किसी भी पक्षकार से कोई सलाह नहीं ली गई। देखिए, सवाल हमारे यहाँ मस्जिद का है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दिया है मस्जिद के लिए दिया है। अब मस्जिद का नक्शा जो है वो विदेशी बताया जा रहा है कि नक्शा विदेशी है। जो भी उसके अंदर नक्शे आए हैं, जो मॉडल आया है, विदेशी है। अरे हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हिंदू का जो है हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हिंदुस्तान के वफादार हैं और हमेशा हिंदू और मुस्लिमों के बीच में रहना चाहते हैं। एक पहचान मंदिर की भी होती है, एक पहचान मस्जिद की भी होती है। और जो नक्शा ये लेके आए हैं ये विदेशी है। पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान विरोध कर रहा है उस मस्जिद के नक्शे को। लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और मस्जिद इस तरीके से होनी चाहिए जितनी खूबसूरती बता रहे हैं, विदेशी नक्शा दिखा रहे हैं उसको। मुसलमानों का पैसा केवल नाजायज बर्बाद करने के लिए है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। पूरा मुसलमान विरोध कर रहा है, पूरे अयोध्या के मुसलमान जो भी पक्षकार थे, किसी से कोई राय मशवरा नहीं, कोई से कोई पूछना नहीं है। नक्शा विदेश से ले आए, अरे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमको हिंदुस्तान के ऐसी चाहिए मस्जिद, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम, मंदिर की एक पहचान भी होती है, शिवाला दिखाई पड़ता है दूर से, मस्जिद में एक मीनार होती है दिखाई पड़ती है दूर से। जब लोग जो है चाहे अल्लाह को याद करें चाहे भगवान को याद करें, लोग जो है देखते हैं कि मस्जिद दूर से दिखाई पड़ गई, मंदिर दूर से दिखाई पड़ गई, तो लोग उसके उसी श्रद्धा के साथ में लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्होंने नक्शा ही बदल दिया कि ऐसा नक्शा बनाया है कि मस्जिद का कोई नामो निशान उसके अंदर दिखाई ही नहीं पड़ता, वो विदेशी नक्शा। हम मुसलमान उसको जो है बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। हमें चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जैसे जैसा धर्म है ऐसा ही होना चाहिए, हमें विदेशी कोई चीज़ पसंद नहीं। तो इकबाल भाई, ट्रस्ट को जो मस्जिद के ट्रस्ट बने हैं इनसे मुलाकात करेंगे क्या, अपनी मांग को रखेंगे क्या? देखिए, जब जो है हिंदुस्तान का मुसलमान मस्जिद के नक्शे का विरोध कर रहा है, ट्रस्ट वालों को चाहिए कि जैसी मस्जिदें हिंदुस्तान में हैं ऐसी ही होना चाहिए। हम विदेशी मस्जिद को बिल्कुल नहीं पसंद करते और ना जहाँ हिंदुस्तान का मुसलमान उसको पसंद करेगा, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। क्योंकि 70 साल हमने मस्जिद के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाया हो, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कुछ किया है बेहतर किया है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, उसका संविधान मानते हैं, उसने 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दिया है, तो मस्जिद के तरीके मस्जिद होनी चाहिए, हमें विदेशी मस्जिद बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद का डिजाइन लॉन्च किया गया था। डिजाइन के मुताबिक मस्जिद में गुंबद नहीं होगा, परिसर में मस्जिद के अलावा म्यूजियम, अस्पताल, लाइब्रेरी और कम्युनिटी किचन बनाया जाएगा। मस्जिद की इमारत गोल होगी। इस मस्जिद को अगले 2 साल में बनाकर पूरा करने का लक्ष्य है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन नक्शा पास होने और सॉइल टेस्टिंग के हिसाब से मस्जिद निर्माण की तारीख तय करेगा। मस्जिद कॉम्प्लेक्स के कंसल्टेंट आर्किटेक्ट प्रोफेसर SM अख्तर ने इसे अंतिम रूप दे दिया है। यूपी तक से बातचीत में प्रोफेसर अख्तर ने बताया कि मस्जिद में एक समय में 2000 लोग नमाज अदा कर सकेंगे और इसका ढांचा गोलाकार होगा। अख्तर ने कहा कि नई मस्जिद बाबरी मस्जिद से बड़ी होगी, लेकिन उसी तरह का ढांचा नहीं होगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 9 नवंबर को अयोध्या में विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया था और केंद्र को मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने अयोध्या की स्वाभाल तहसील के धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन आवंटित की थी। अयोध्या से बनवीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।